फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्लेन मिरर था तो प्लेन मिरर रख लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, 60 मीटर है कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से। तो ये टावर था, इसके फुट से 60 मीटर डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस आपको 60 मीटर दे रखी है, ठीक है। फिर क्या बोला आपको कि द टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज, तो ये और ये दोनों मिलकर यहाँ पे एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, टोटल एंगल इज 90 डिग्री। तो मतलब अगर ये हाइट एच है तो नीचे भी हाइट एच होगी, क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है। तो यहाँ पे आपने बना दिया, ठीक है, ये 45, ये 45। अब आपको पूछा हाइट ऑफ द टावर, तो ये ट्राइंगल आपने कंसिडर किया, दिस एच यू नीड टू फाइंड, दिस इज 60 एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली आपसे म्यू पूछा गया है यहाँ पे, ग्लास स्लैब है, इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे आके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो बताइए म्यू कितना होना चाहिए इसके लिए। कैसे करोगे भाई? मून तेरी आवाज तो नहीं आती कभी भी, तो नेटवर्क का तर दिक्कत है। और कोई भाई कैसे करोगे? श्रेय कैसे करेगा इस क्वेश्चन को? सर पहले स्नेल्स लॉ जहाँ पर 45 डिग्री पर रे इंसिडेंट हुई है वहां पर लगाएंगे, और फिर वो इक्वेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले के अंदर साइन सी इज इक्वल टू 1/n के हिसाब से हम लोग टास्क का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दो अननोन है, पहला अननोन आपका जो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा वो है, यहाँ वाला रिफ्लेक्टिव एंगल जो बनेगा, हाँ सॉरी यानी ये जो रिफ्लेक्टिव एंगल बनेगा आपका आर, और दूसरा यहाँ पे आपको सी भी निकालना है। ऐसे दो आपके पास अननोन है, तो एक बार चांस ट्राई करो कैसे कर पाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है करो। तो मैं दो पॉइंट्स मान लेता हूँ ए और बी, ए पे लगेगा स्नेल्स लॉ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1 sin 45 degree इज इक्वल टू, इधर अगर देखें तो इसका जो भी n मान लेता हूँ मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n sin r, एक तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। दूसरा इक्वेशन पॉइंट b पे लगाता हूँ जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे अपने को पहले एंगल देखना पड़ेगा, अगर ये एंगल r है तो दिस एंगल शुड बी 90 minus r, तो यहाँ का जो एंगल इंसिडेंस एंगल है वो 90 minus r है। नॉर्मल के साथ देखते हैं ना एंगल, तो नॉर्मल के साथ 90 minus r एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जब लिख क्या कर रहा है, मून क्या बोल रहा है? ये आंसर आएगा, हाँ आंसर इज ए, ठीक है। अब साइन सी अपन जानते हैं, साइन सी क्या होता है, छोटा भाई बड़ा, छोटा भाई बड़ा मतलब ये हो गया 1/n, ये हो गया आपके पास। तो यहां से मिला साइन 90 minus r विच इज कॉस आर, साइन 90 minus r इज कॉस आर, कॉस आर इज 1/n² और यहां से आपको क्या मिल रहा था, देखो यहां से आप लिख सकते हो साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2n या n√2 आप ऐसा बोल सकते हो। तो साइन आर ये मिल गया, कॉस आर आपको ये मिल गया,
यहाँ से आपको n कैलकुलेट करना है इन दोनों को यूज करके। तो अपन या तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, सीधा सीधा n मिल जाएगा, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू वन, ये यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 1/2n² प्लस 1/1 मिनट, यहाँ पे अपन ने कुछ गड़बड़ की है क्या? ये एन फोर और एन स्क्वायर ऐसे, चल ठीक है देखते हैं। एन साइन 90 साइन सी, बेसिकली सी इक्वल टू 91 एस आर होना चाहिए, वन आएगा ना, वन बाय इनकी जगह वन आएगा, यहाँ पे वन आना चाहिए। बेसिकली साइन 90 अपने को लिखना है यहाँ पे, स्नेल्स लॉ जब आप लगाओगे तो यहाँ आएगा साइन 90, क्योंकि सी तो ये है, दिस इज क्रिटिकल एंगल जिस पे इंसिडेंस हुआ है और उसके बाद साइन 90 पे रिफ्लेक्ट होगा, सो दिस इज वन। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है दिस कॉस इज 1/n, तो यहाँ से 1/n² = 1 ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आया 1 + 1/2 = 3/2, एन स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ से n मिल गया √3/2, दिस इज। तो अपने यहाँ इक्वेशन गलत लगा ली थी, यहाँ अपने क्या कर लिया था कि इसे तो आपने c माना ही था, ये तो c है आपका जिस पे इंसिडेंस होता है और रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 90 पे रिफ्लेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे साइन 90 आना चाहिए सामने, वो अपने को देखना था, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक लेंस है ग्लास का बना हुआ है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.60 है, फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर इन एयर, ए फोकल लेंथ इन वाटर हुज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 विल बी, बताओ जल्दी से फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। क्या फॉर्मूला था फोकल लेंथ निकालने का? ऑप्शन, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे क्या थे पांशु सर? वो लेंस फॉर्मूला लगा के, लेंस फॉर्मूला लगा के उसमें म्यू को चेंज कर दिया, एक बार म्यू जो दे रखा है वो ले लिया, एक बार वाटर वाला ले लिया, ट्राई करेंगे सारे लोग। रहने वाली है चाहे एयर पे रखो चाहे वाटर पे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात करते हैं, म्यू माइनस वन का फर्क पड़ेगा इस पे, तो मैं बोल देता हूँ एक बार इसको एफ वन और म्यू वन, अगली बार जब वाटर में डाल दिया तो एफ टू म्यू टू माइनस वन, ये सेम रहेगा 1/r1 - 1/r2, इन दोनों को अगर डिवाइड कर लें तो आपके पास रेशियो आ जाता है F2/F1 = μ1 - 1/μ2 - 1, यहाँ से सॉल्व कर लो। F2 आपको कैलकुलेट करना है F1 टाइम्स म्यू वन, 1.60 है, फर्स्ट वाला माइनस वन डिवाइडेड बाय, अगली बार क्या करना पड़ेगा 1.6/1.33 - 1, ये ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ से आया पता है ना, हम क्या लिखते हैं म्यू को, म्यू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग,
इसको आप अगर पूरा देखो तो आप इसका फॉर्मूला लिखते थे एन लेंस बाई एन सराउंडिंग माइनस वन एन एल बाई एन एस माइनस वन, ऐसा आप इसको लिखते थे। तो ये अपन ने यहाँ पे किया है, जब ये एयर में था तो सराउंडिंग वन थी तो 1.60 आ गया, जब इसको वाटर में डाला तो 1.60 बाई 1.33 आ गया। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, ऊपर आएगा 0.60 इधर आप, और ये 1.33 भी ऊपर ले चलते हैं, और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा 0.27, ऐसा आपको ये टोटल मिल रहा है। ठीक है, इससे ये जा रहा है ऑलमोस्ट 5 times, 5 into this is 3, तो आपका आंसर आया 3 times मोर। F2 is equal to 3 times F1, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला, यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए, तो फॉर्मूला ये पूरा वाले फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। देखो अपन हमेशा फॉर्मूला अक्सर ये वाला लिखते हैं, तो इसमें आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, दिस म्यू इज रिलेटिव टू द सराउंडिंग। जैसे आप उसको सराउंडिंग में सराउंडिंग चेंज करोगे म्यू चेंज होना चाहिए, तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला लेंस बाय सराउंडिंग माइनस वन, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट ट्राई करो, कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पे? सो प्रिज्म एंगल के इक्वेशन, प्रिज्म एंगल के इक्वेशन सर, ऑप्शन ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक बात है। फिर तुम एक बात बताओ, तुमने इक्वेशन ये वाली लगाई म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a plus del minimum by 2 by sin of a by 2, ये equation use करी, यहाँ से तुमने निकाला, तो तुमने ये equation लगाई क्यों? तुम्हें कहीं delta minimum तो दे नहीं रखा एक question में, सर i equal to a ना? बिल्कुल ठीक बात है, ये condition है i equal to a, this condition relates to del minimum, तो ये condition अगर याद है तो अपन इसको आराम से use करते हैं। चलिए ठीक है, so I guess इसको कराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा दो formula लगाने। ठीक है, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, एक तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ से डेल आ जाएगा, उसके बाद आप फॉर्मूला से ए एन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पहले तो मुझे इसमें समझाओ कि बात तो लेंस की हो रही है, मतलब लेंस से रिफ्लेक्शन अपने को करना है, रिफ्लेक्शन अपने को करना है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है? दो डिस्टेंसेस यहाँ पे दे रखी हैं, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, इमेज कितने डिस्टेंस पे? ये बात समझाइए आप मुझे, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे और इमेज 30 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये क्लियरली देख सकता है अप टू 30 ओनली, तो जो इमेज बननी चाहिए ना वो 30 पे बननी चाहिए, तभी वो उस इमेज को देख पाएगा ढंग से। सो इमेज शुड बी एट 30 एंड ऑब्जेक्ट इज एट 50। अब आप इससे फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ से आप पावर निकाल लोगे 1/f से, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि बुक रखी हुई है, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट माइनस 50 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, उसको रियल इमेज देखनी है,
लेंस का केस है। आप कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। क्या आ गया आंसर फाइनली? सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, -1.33 एप्स ये आ जाएगा आपके पास। सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये बात याद रखिएगा। 1/ फोकल लेंथ इन मीटर्स, दिस विल गिव यू पावर। इस बात को ध्यान रखना है, फोकल लेंथ अपने पास क्वेश्चंस में अक्सर सेंटीमीटर्स में आती है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/ करके तो पावर मिलेगी डायोप्टर में। दिस डी इज डायोप्टर, तो ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट, फोर्टी सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 है, इमेज प्रोड्यूस कैसी होगी? सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, रियल इन्वर्टेड इन सेम साइज। कैसे किया सर? ऑब्जेक्ट सी पे रखा है ना, तो सेम साइज ही बनेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इसने आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसने बहुत अच्छा कोरिलेशन किया। देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से आपने डिस्टेंसेस देख ली कि फोकल लेंथ इसकी 20 है और ये 2f पे रखा हुआ है, 40 पे रखा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आपका दिमाग इतना अच्छे से चल जाता है तुरंत प्रभाव से, तो आपका बहुत टाइम बचता है। अदरवाइज क्या करेंगे लोग, जो जिनका दिमाग नहीं चलेगा वो उस पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है, फिर मैग्निफिकेशन का साइन चेक करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर बताएंगे कि रियल है, इन्वर्टेड है या कैसा है। तुरंत अगर आपको चमकता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, 2f पे रखा है, 2f पे आंसर शुड बी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। बहुत बढ़िया दीपांशु। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्लियर है? अभी ये ऐसे देख पा रहा है, अब जब आप इसको पानी से भर देंगे तो क्या होगा कि ये इसका लोअर एंड आएगा। ऐसा बोला हुआ है कि आपने इसको 2h तक पानी से भर दिया, मतलब से यहाँ तक आपने इसको पानी से भर दिया। अब जो लाइट आएगी वो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्ट होगी, और जो अब रिफ्रैक्शन होगा वो ऐसा होगा कि ये लाइट आई और अब ये यहाँ इसका लोअर एंड देख पा रहा है, राइट? ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो आपसे पूछा गया है, बताइए वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? एक क्वेश्चन अपने शायद पहले क्लास में भी किया है ऐसा मुझे याद आ रहा है, या किसी मॉड्यूल में या टेस्ट में कहीं तो किया है ऐसा मैंने।
तो अगर एंगल्स में दिक्कत है तो एंगल देख लेते हैं सबसे पहले. ये डिस्टेंस 2h है, दिस इज डायमीटर. ये डिस्टेंस भी 2h है क्योंकि 3h टोटल हाइट है, उसमें से h पे रखा हुआ है तो बचा 2h, ये भी 2h. सो दिस एंगल इज 45 डिग्री जिस पे ये अभी देख पा रहा है शुरू. दिस एंगल इज 45 डिग्री. अब जब उसको देखना है तो अब एंगल ये अपन यहाँ से देखेंगे. दिस एंगल इज I इंसिडेंस एंगल एंड दिस एंगल इज R रिफ्लेक्टेड एंगल. और ध्यान से देखो तो अपने को R यहाँ पे पता है, क्योंकि अगर ये R है तो अपने को ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R, और ये एंगल इज सेम एज दिस एंगल क्योंकि ये लाइन तो वही है जिस पे पहले जा रहा था. दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज आल्सो 45, सो R इज आल्सो 45. तो अपने को R पता है यहाँ पे बेसिकली. दिस एंगल इज 45 डिग्री. कलर चेंज कर लेता हूँ. This angle is 45 degrees. तो R भी हो गया आपका 45 degrees. अब आपको I देखना है और साथ में mu देखना है. कोशिश करो कैसे करोगे. बी आएगा इसका जो आंसर है वो बी है. ठीक है बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है. तो साइन आई यहाँ पे कैसे निकालोगे भाई. देखो अब आर तुम समझ में क्या 45 ऐसे है बी का के मिडल पे का गया ना हीट. हाँ हाँ तो यहाँ पे अपन 45 अपने को डायमेंशंस पता है. ये एंगल आई अपने को फाइंड करना है. दिस इज एच, ये अपने को पता है 2h, इससे अपन ये निकाल सकते हैं और साइन आई यहाँ से लिख सकते हैं. इस ट्रायंगल के अपन बात करते हैं जहां पे इंसिडेंट रे जाके हिट कर रही है. दिस एंगल इज आई, दिस इज एच, दिस इज 2h, सो दिस शुड बी रूट 5h. ठीक है पाइथागोरस से अपन बता सकते हैं दिस शुड बी रूट 5h. तो यहां से आप साइन आई बता पाएंगे. साइन आई कैन बी रिटन एज एच बाई रूट 5h या 1 बाई रूट 5. दिस इज साइन आई. अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं. सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर. और आर 45 डिग्री है एंड कैलकुलेट करना है. साइन आई 1 बाई रूट 5 है. ये साइन आर इज साइन 45 डिग्री विच इज 1 बाई रूट 2. तो यहाँ से आपको एन मिल जाएगा रूट ओवर 5 बाई 2. दिस इज योर आंसर. ठीक है तो ज्योमेट्री यूज करनी थी, जो डायमेंशंस दे रखी थी उसके हिसाब से हमने आई कैलकुलेट किया, आर भी उसी से निकाला, देन उन दोनों को यूज करके अपन ने फाइनली एन बताया. ठीक है क्वेश्चन अच्छा है, डायमेंशन यूज करके क्वेश्चन कर पाएंगे. क्वेश्चन क्लियर है ये या और एक बार और बताऊं. क्लियर है एक बार और बताऊं. यस सर. दे तुझे क्लियर हुआ क्वेश्चन. Yes. Yes, sir. ठीक है चलिए नेक्स्ट. दो प्लेनो कॉनकेव लेंसेज हैं of glass of refractive index 1.5. radius of curvatures दे रखी हैं,
They are placed in contact with their curved surface towards each other, and the shape between them is filled with liquid of 200 4 by 3. Okay. Then the combination is. Okay. तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, प्लेनो कॉनकेव है और कर्व सरफेस एक दूसरे की तरफ रखे हुए हैं। डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया एक प्लेनो कॉनकेव और इधर इसका ये हो गया दूसरा प्लेनो कॉनकेव, और इनके बीच में वृद्धि आपने लिखते हैं। तो बेसिकली ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, और ये भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगा तीसरा लेंस। इनका आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 1/f=1/f1 + 1/f2 + 1/f3। और ये यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई डिस्टेंसेज नहीं है, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिए। बताएंगे आंसर जल्दी से क्या क्या आना चाहिए, f1 निकालो, f2 निकालो, f3 निकालो, और फिर तीनों को फॉर्मूला में रखो। दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका भी 1.5 है, सर। सर यहाँ पर कॉर्ड वाले लेंस जो बीच वाला लेंस है उसके लिए जो फोकल लेंथ निकालना है उसके अंदर 1 - μ2 1 करना है, उसके अंदर जो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एयर वाला। हमेशा ध्यान रखो कि तीनों जो लेंसेज हैं उनको अलग अलग मान के चलो, ऐसे आप तीनों को अलग अलग मान लो, और तीनों के पास एयर है ऐसा समझो हमेशा ऐसे। तो इसको एयर के साथ ही लेना है आपको। नाइस क्वेश्चन। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी लेंसेज कनेक्टेड हैं उन सबको सेम सराउंडिंग में आपको लेना है। अगर आप इसको दोनों तरफ एयर में ले रहे हो तो इसे भी दोनों तरफ एयर में लेंगे और इसे भी दोनों तरफ एयर में कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, कौन से रेडियस पॉजिटिव कौन से नेगेटिव। किसी भी एक डायरेक्शन से आप मान लीजिए लाइट जा रही है, तो अगर ये मान लेते हैं तो इस डायरेक्शन वाली सारी चीजें पॉजिटिव कहलाएंगी। लेंस में याद है ना, हम किसी भी एक तरफ से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आते फाइनल आंसर में। आप चाहे इधर से मानते पॉजिटिव, उस हिसाब से सारे आंसर बनाते, तब भी सेम आएगा। एक रेडियस आप मान लीजिए, जैसे फर्स्ट के मान लेते हैं 25 है और सेकेंड के मान लेते हैं 20 है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लेंस को चाहे इधर उधर लगा दो, एक ही बात होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 1/f1 निकालता हूं मैं, तो μ-1 1.5 - 1, 1/r1 - 1/r2, तो एक तो है इंफिनिटी और एक है ये, ठीक है। तो R1 जो पहला आपको मिलता है वो R1 होता है, तो 1/∞ माइनस, इसको अगर देखें तो इसकी रेडियस इस तरफ काउंट होगी विच इज पॉजिटिव, तो R2 इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 25, तो -1/25 ये आएगा। यहाँ से आपको मिल रहा है 0.5 मतलब हाफ, और यहाँ से मिल रहा है 1/25, तो ये हो जाएगा 1/50 विद माइनस साइन, -1/50। ऐसे 1/f2 देखते हैं, वो सेम आएगा 1.5 - 1। उसके लिए जो R1 है, ये R1 है एंड दिस R1 इज अलोंग दिस वे, तो इसको ले आ जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका -20 - 1/∞। सो यहाँ से आपको मिलेगा ये है हाफ, ये है 20, तो ये मिला -1/40। 1/f3 अगर देखें तो देखते हैं 4/3 - 1। इसके अगर रेडियसेस देखें तो पहली रेडियस मिलती है विच इज पॉजिटिव, तो आएगा 1/25 माइनस, दूसरी रेडियस इज दिस विच इज नेगेटिव, इस डायरेक्शन में है, तो इसे लिखा जाएगा -1/20, ये आ गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इधर से आ रहा है 1/3, और अच्छा सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, दिस 20 इज नेगेटिव,
सो माइनस 20 लिखेंगे और फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय अंदर सेल्सियम आया आपका 50 ले लो और 100 लेना पड़ेगा, 4 + 5 = 9, तो 9/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/100। ये आपके सारे आ गए, सबको ऐड कर दो, 1/F = -1/50 - 1/40 + 3/100, एलसीएम ले लो 200, इधर से आया -4 - 5 + 6, सो आंसर शुड बी -3/200 सेंटीमीटर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ यहाँ से आ गई -200/3 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन में क्या है, ठीक है, 200/3 मतलब 66.6, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है भैया, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस इज द आंसर, ठीक है। सो ध्यान क्या रखना है इस पूरे क्वेश्चन में, एक तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, आप किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, किस में नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखिए लेंस के केस में आप चाहे लेंस को, अगर एक ऐसा लेंस है, आप चाहे लाइट को इधर से डालें चाहे इधर से डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे मैं रेडियस ये वाली 20 ले लेता, ये 25 ले लेता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर सेम आता, इसलिए इन बातों की चिंता नहीं करनी है अपने को। तीसरी बात, मीडियम का ध्यान रखना है, सराउंडिंग मीडियम्स का, जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो सराउंडिंग मीडियम सबके लिए सेम लेना है, अगर इसके लिए एयर है तो इसके लिए भी एयर लेंगे और इसके लिए भी एयर, ठीक है। नेक्स्ट, आई गेस मीटिंग खत्म होने वाली है, तो एक काम करते हैं, लीव करते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं, चलिए मीटिंग एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं।